हम लोग भी 4 साल लड़ रहे हैं, 1 अप्रैल तक सरकार को जवाब देना होगा। नौ यह यात्रा बिहार के निर्माण के लिए है। बिहार में सरकारी विद्यालय का स्थिति बहुत से बदतर है। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। आप देख रहे हैं एसटीटी वाले हैं जो कि शिक्षा बचाओ यात्रा कर रहे हैं, चंपारण से चल रहे हैं। आज 7वां दिन है। हम बात करते हैं क्यों आप लोग यात्रा कर रहे हैं और इतना दूर से पैदल यात्रा करने का क्या वजह है। हम लोग चंपारण से महोदय 160 किलोमीटर से आए हैं। बस यहाँ में शिक्षा का जो पठन पाठन है माहौल खराब हो चुका है। एक ही काम है, बिहार सरकार शिक्षा का स्तर सुधार करे और योग्य और मेरिट शिक्षक करे। हम लोग ST19 मेरिट योग्य शिक्षक है और पिछले 4 साल से भटक रहे हैं। अपनी नौकरी की अलग बात है, लेकिन बिहार में सरकारी विद्यालय का जो स्थिति है उसी को उजागर करते हुए हमें सरकार को हिलाने की नहीं है, पतन कर देंगे अगर सरकार बिहार के सरकारी विद्यालयों में। इसीलिए चले हम लोग। आपके लग रहा है इस पदयात्रा से, शिक्षा बचाओ पदयात्रा से सरकार को कुछ इस पे असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा। बिहार का जनता पदयात्रा पैदल क्यों चले? क्योंकि बिहार में सरकारी विद्यालय का स्थिति बहुत से बदतर है, इसीलिए हम लोग चले हैं। और सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों ला रहे हैं, योग्य शिक्षक की नियमावली क्यों नहीं ला रहे हैं। प्रावधान करना होगा योग्य शिक्षक की बहाली के लिए। एक बयान है आप लोग के बारे में कि चंपारण मीट खाने गया है, लोग यात्रा नहीं कर रहा है। खरी निंदा करते हैं आप लोग अफसोस की बात है। वो जो कह रहा है उस कलंकित लोग की बात हमसे नहीं करे, हम एक कलंकित पूरे बिहार को कलंक कर देगा। हम लोग का एक ही उद्देश्य, बापू के कर्मभूमि से चले थे, अब बापू के पद यात्रा पे आए हैं और उन्हीं को पुष्प अर्पित करेंगे। बापू को कहेंगे हमें शक्ति दीजिए बापू कि हम राजभवन पहुंचे। हम महामहिम को ज्ञापन सौंपे और कहें महामहिम को कि सरकार को आदेश दे कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, सरकारी विद्यालय में योग्य और मेरिट शिक्षक की बहाली करे। इसी उद्देश्य के साथ आए हैं। नहीं, आपके पदयात्रा में देख रहे हैं कि विकलांग भी है, क्या क्या समस्या हुआ है आने के? बहुत समस्या हुआ, दिन रात चले हैं तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। इनसे पूछिए, दिव्यांग जी से पूछिए, उनका स्थिति बद से बदतर हो गया। हमारा अनिल भाई को पानी चढ़ा है, लेकिन हम लोग रुके नहीं है। यह यात्रा बिहार के निर्माण के लिए है, बिहार के सरकारी विद्यालयों के निर्माण के लिए, इसी यात्रा के लिए हम लोग आए हैं। 4 साल से आप लोग ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं तो कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कान में क्यों नहीं जा रहा है आवाज? जाएगी ना, बापू भी लड़े थे लेकिन नहीं 1857 से 1947 तक लड़े ना, हम लोग भी 4 साल लड़े हैं। 1 अप्रैल तक सरकार को जवाब देना होगा, नौकरी देनी होगी और बिहार में योग्य शिक्षक की मेरिट की बहाली करनी होगी। तो ये थे शिक्षा का अभ्यर्थी जो कि एसटीटी वाले थे, उन्होंने तमाम जगह पद यात्रा देख रहे थे। विकलांग भी हैं, इनको काफी समस्या, और ये किसी को पानी भी चढ़ा है, बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग अब गांधी मैदान बापू के मूर्ति के नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ से राजभवन के लिए जाएंगे और वहाँ पे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के साथ जुड़े रहे, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।